क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फोर्स हमने किया कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में क्या था, बी क्यू वी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये किया हमने। अब इसमें अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रो कूलम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2×10⁶ मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या गिवन है आपको, चार्ज गिवन है आपको, क्या गिवन है इसमें, 2×10⁶ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी के पीछे क्या लगेगा, कौन सा कैप, आई कैप, वेक्टर फॉर्म लिख लिया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, अब आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आपको फोर्स निकालनी है, ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में निकलेगी। अब वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब क्यू चार्ज की वैल्यू 1.5×10⁻¹, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, 2×10⁶ आई कैप, बी वेक्टर हमें गिवन है, तो वेलोसिटी वेक्टर बी वेक्टर, बीच में क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब वेक्टर का रूल सबको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई को क्रॉस क्या करना पड़ेगा, जे, और यहां पर आई को किससे क्रॉस करना पड़ेगा, के। तो यहां से आई क्रॉस जे क्या होता है, के, और आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, आंसर। तो ऑटोमेटिकली वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आपको आंसर देगा। बट पॉइंट क्लियर है, इसको कैसे करना है आपने, तो अगर दो चीजें वेक्टर फॉर्म में गिवन है वी एंड बी, तो ऑटोमेटिकली एफ बी आपको वेक्टर फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके यूनिट है, एनर्जी के, इलेक्ट्रोस्टैट्स किया था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसके यूनिट है, एनर्जी के। तो मेगा का मतलब 10⁶ है, तो 5 MeV प्रोटोन इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, तो नीचे गिर रहा है प्रोटोन, इस एनर्जी के साथ नीचे गिर रहा है, थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 1.5 टेस्ला, कहां एक्टिंग, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ, तो बी की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, प्रोटोन कैसे गिर रहा है, वर्टिकली, तो प्रोटोन नीचे गिर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये साउथ और नॉर्थ है, तो ईस्ट और वेस्ट ऐसे निकलेगा, ईस्ट और वेस्ट ऐसे निकलेगा, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो ये प्लेन है साउथ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट का, और ये वर्टिकल है, तो इसके अंदर फाइंड मैग्नेटिक फोर्स आएगा, यहां पे फाइंड मैग्नेटिक फोर्स कर लेना, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्रोटोन, तो प्रोटोन पे क्या फोर्स लगेगी। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो कुछ गिवन नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू बी साइन थीटा, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, तो लेकिन वेलोसिटी की जगह आपको क्या गिवन है, प्रोटोन की एनर्जी गिवन है, प्रोटोन की एनर्जी कितनी गिवन है, 5 MeV, और प्रोटोन मूव कर रहा है, तो ये एनर्जी का नाम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन की 1/2 mv² इज 5 MeV, मेगा का मतलब 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था 1.6×10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई, तो हमने एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इतनी जूल हो गई। आपको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी स्क्वायर एक तरफ, मास नीचे आ गया, 2 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको इस इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं प्रोटॉन सॉरी, आपको इस प्रोटॉन का मास गिवन है 1.6×10⁻²⁷, इसको सॉल्व किया, अंडर रूट लिया, तो हमारे पास क्या आई, वेलोसिटी आ गई, क्योंकि हमने फोर्स निकालनी है, फोर्स में क्या चाहिए होगी, वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी से पहले वेलोसिटी आ गई, फिर क्वेश्चन में अप्लाई किया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहां है, साउथ से नॉर्थ, प्रोटॉन कहां गिर रहा है, नीचे, प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, तो बताओ वेलोसिटी कहां है प्रोटॉन की, नीचे, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इस तरफ, तो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल बोलो वी में और बी में कितना है, 90, तो फोर्स का फॉर्मूला बी क्यू वी साइन 90। आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, चार्ज प्रोटोन पे 1.6×10⁻¹⁹ है, आपको वेलोसिटी भी गिवन है, साइन 91 होता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गई आपके पास, फोर्स आ गई। अब क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको साथ में क्या मेंशन करनी पड़ेगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए आपको सीखना पड़ेगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको यह बताता है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड,
तो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, तीन फिंगर्स परपेंडिकुलर, ये वाली फिंगर आपकी तरफ, लोगों की तरफ जाएगी, इस तरफ ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे भी कई लोग कर लेते हैं ठीक, क्योंकि भी 90 है, ऐसे नहीं होगा, ये वाली फिंगर आपकी तरफ है ऐसे, गिरा तो लिख ली, कर लिया आपने। बेटर ये है आप फिंगर पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो फर्स्ट फिंगर पे बी, इस फिंगर पे लिख लें बी, तो ये फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिख लें इसमें, आज पूरे लेक्चर में यूज होना है ये बी, बी बुल बी बी मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इसमें क्या लिख लें बी, इस सेंट्रल फिंगर के ऊपर लिखें क्यू, क्यू डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर लिखें बी, इसके ऊपर लिखें डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर लिखें एफ, एफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बी क्यू एफ, तो रूल लगा के देखते हैं। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में मैं यहां फोर्स की डायरेक्शन निकालने जा रहा हूं, देखो कैसे, फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ बी, तो ये रहा आपका बी साउथ से नॉर्थ, ध्यान आगे, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट बी साउथ से नॉर्थ, क्लियर है, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, याद रखना पॉजिटिव ऑफ चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं, डायरेक्शन ऑफ ओनली पॉजिटिव चार्ज, और हमारा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन कहां गिर रहा है, नीचे, फर्स्ट फिंगर बी सेंट्रल फिंगर नीचे, फोर्स कहां आ रहा है, बाहर, तो फोर्स की जो वैल्यू है वो कहां आ रही है इसमें, वो बाहर आ रही है, बी वेलोसिटी या चार्ज बाहर, आउटसाइड, तो या तो आउटसाइड बोल लें, या तो आउटसाइड बोल लें, या ऐसे बोल लें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और अंदर की तरफ वेस्ट है, तो या तो ईस्ट बोल दें, अगर ईस्ट नहीं बोलना तो लिख दें आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये बी ये वी और ये फोर्स बाहर है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगी, राइट से निकलेगी, और फ्लेमिंग का रूल कब काम करता है, जब तीनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तीनों एफ बी और वी 90, अगर 90 नहीं होगा फ्लेमिंग का रूल काम नहीं करेगा, फिर हम नॉर्मल वेक्टर से अपने डायरेक्शन को निकाल लेंगे, ठीक, बी ये रहा बी सेंट्रल फिंगर मोशन ऑफ चार्ज, ठीक ये रहा ऊपर, आपने गलत, हाँ ठीक है लगाओ अपनी कॉपी में लगाओ, ठीक, फिर देखो लेफ्ट हैंड रूल, पहले फिंगर सही रखो, फर्स्ट फिंगर बी सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक आउट, ठीक है आउट, और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, रुको और में अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी, ध्यान आगे, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो मान लो ये वायर है जिसमें लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, करंट इसमें 4 एम्पियर है, अ प्रोटोन पी ट्रेवल्स एट 4×10^6 मीटर पर सेकेंड, तो जो प्रोटोन है 4×10^6 मीटर से ट्रेवल कर रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कैसे पता लगा, वो कह रहा है पैरेलल टू वायर 0.2 मीटर अवे फ्रॉम इट, 0.2 मीटर पे एंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट, तो ये जो प्रोटॉन है उसकी डायरेक्शन करंट के ऑपोजिट है, तो अगर मैंने करंट ऊपर लिया तो प्रोटॉन कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्लियर है यहां तक, और प्रोटॉन की वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 4×10^6 मीटर पर सेकेंड, तो आपको क्या निकालना है, इस प्रोटॉन पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लगी, तो कितनी फोर्स की वैल्यू लगी इसको कैलकुलेट करते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन, क्या इस प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि वायर किसमें पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक, जो वायर क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, याद करो बाइट सर्वर्ट्स लॉ किया था पिछले चैप्टर में, तो अगर ये वायर स्ट्रेट है तो थंब
करंट के साथ, राइट हैंड, अब राइट हैंड का थंब करंट के साथ, और बी कैसे होगा, इनसाइड, ऊपर इनसाइड। तो बी वेक्टर यहां पर क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, इनसाइड। तो अब एक चीज देखो कि वेलोसिटी कितनी है, 4 × 10⁶, इतनी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इतनी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बोर्ड के इनसाइड। तो बताओ V में और B में एंगल कितना है, 90, क्योंकि V कैसे है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बोर्ड के इनसाइड। तो V में और B में एंगल कितना है, 90। तो फोर्स की वैल्यू के लिए आपको यहां पर B निकालना पड़ेगा, बायट सबर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, इनफाइनाइट वायर, यहां पे B कितना लगाती है, म्यू नॉट बाय 4π2i/r। तो हमें I की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई करके सबसे पहला काम क्या, आपको B निकालना। तो B निकाल लिया आपने, कोई डाउट इसमें, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, लॉन्ग वायर का रिजल्ट है। अब शुरू करते हैं, B आपको पता है, V आपको पता है, प्रोटॉन पे चार्ज भी आपको पता है, और एंगल आपको 90 पता है। तो फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या लगेगा, BQV sin 90। B आपने निकाल लिया इनफाइनाइट वायर से, वेलोसिटी आपको पता है 4 × 10⁶, चार्ज प्रोटोन पे 1.6 × 10⁻¹⁹, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गई। डायरेक्शन देख लें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फिर से फर्स्ट फिंगर बी, बी कैसे है, बोर्ड के इनसाइड। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज कहां जा रहा है, नीचे, तो सेंट्रल फिंगर नीचे, तो बी बोर्ड के अंदर, लेफ्ट हैंड, सेंट्रल फिंगर नीचे, तो फोर्स कहां लग रही है, टूवर्ड्स राइट, तो बी चार्ज, फोर्स राइट। तो क्लियर है, फोर्स की वैल्यू कहां है, अवे फ्रॉम द वायर या टुवर्ड्स राइट, क्लियर है यहां तक।